मैं ही चकने वाला नहीं। और भाइयों, आज मैं चेतावनी देकर केवल जा रहा हूँ। हमारे अमिताभ जी यहाँ रहते हैं बराबर, विजय जी रहते हैं, मंटू बीन जी रहते हैं, और भी जो हमारे लोग हैं यहाँ अस्थायी रूप से रहते हैं, आप लोग समूह में किसी भी गरीब का काम है उसको लेकर कर करवाइए। आज हम सब विधायक है, हमारी सरकार है, तो हमको जो वोट दिया है उसका भी नेता हूँ, जो नहीं दिया है उसका भी काम करना और कराना मेरा धर्म है। मैं उस धर्म को छोड़ने वाला नहीं। हमको जो वोट नहीं दिया है वो भी मेरा भाई है, जो दिया है वो भी है। हम सत्ता में है इसलिए उस काम को करना कराना मेरा परम कर्तव्य है। इसलिए उसी क्रम में मैं आज आप सबको फेसबुक के माध्यम से आग्रह किया था। देखिए, हमारे प्राथमिक शिक्षक संघ के दर्जनों अध्यापक भी आए हुए, माध्यमिक के भी दर्जनों अध्यापक आए हुए बिना हमारे कहे। हमारे लालगंज किसान के व्यापारी के लोग आए हुए हैं। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सब चलिए, अभी अब मैं इसको चेतावनी दे देता हूँ, अधिकारियों को चेतावनी देता हूँ, और इसके बाद भी नहीं माने सब, तो बैरिया तहसील के प्रांगण में इसी धूप में बैठाऊंगा, अपने भी बैठूंगा और इन सबों को भी रात दिन भर बैठाऊंगा, यही सजा करूंगा। मैं स्वयं बैठूंगा और इन सबों को भी पत्थर पर बैठाऊंगा, तब समझ में आएगा कि द्वाबा का तापमान क्या होता है। इसलिए कोई भी कोई तहसील में किसी भी भाई का हमारा काम है, जो आज हो सकता हो आप सब लोग चलेंगे हमारे साथ, मैं तत्काल उसको अभी जो है ये करता हूँ। मेरे भाइयों, मैं अभी सुना कि वरासत के नाम पर 2000 रूपये ले रहे हैं सब, वरासत के नाम पर 2000 रूपया, और बताइए तरमीन के नाम पर 5000 रूपया। इस तरह से यदि होगा तो तहसील का निर्माण कैसे होगा? इसलिए आप सबसे मेरा प्रार्थना है कि कोई भी कर्मचारी या अधिकारी घूस मांगता है तो घूस मांगने वाले अधिकारी कर्मचारी का संभव हो सके तो आप सीडी बना लीजिए, संभव हो सके तो टेप कर लीजिए, और जरूर मुझको बताइए, हमारे कार्यकर्ताओं को बताइए, ताकि हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त द्वाबा बना करके अपने सरकार के नियत को यहीं से शुरुआत करेंगे, यही मेरी मनता है। आप इतना ही कहते हुए, आप सबका अभिवादन करते हुए, अपनी बात को रोकते हुए, भारत माता की।